हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं वैश्यराज भट्टराई और आप देख रहे हैं रियल सेफ ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि सोयाबीन के मोमोज कैसे बनाया जाता है। इससे पहले वीडियो में मैं आप लोगों को ऑलरेडी वेज मोमोज, चिकन मोमोज और पनीर मोमोज की रेसिपी बता चुका हूं। सो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि सोयाबीन के मोमोज कैसे बनाया जाता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, सोयाबीन के मोमोज बनाने के लिए हम सबसे पहले सोयाबीन को भिगोने वाले हैं। तो देख सकते हैं मैंने अभी 300 ग्राम सोयाबीन ले रखा है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हम होटल में बहुत सारे मोमोज बनाते हैं, सो हम किस तरीके से बनाते हैं। सो ये सारा प्रोसेस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा अभी मोमोज बनाकर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो उसके लिए मैंने 300 ग्राम सोयाबीन का अभी मोमोज बनाने वाला हूँ। सो मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, देख सकते हैं सोयाबीन को मैं पानी में भिगोने वाला हूँ। तो आप अगर इसमें आप कहेंगे कि चूरा नहीं ले सकते इसमें, क्योंकि इसका बारीक जो चूरा भी आता है वो भी होता है, लेकिन उससे क्या होता है कि मोमोज जमते नहीं है, सही तरीके से बन नहीं पाते। इसलिए आप हमेशा ये साबुत वाला जो सोयाबीन होता है इसको लेके भिगोए, फिर इसको हमें मिक्सी में पीसना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको पानी में भिगोते हैं। इसको कम से कम 10 से 15 मिनट तक भिगोना ज़रूरी है। ये नॉर्मल ठंडा पानी है, हम ठंडा पानी में इसको भिगो रहे हैं। नॉर्मल ठंडा मतलब फ्रिज वाला ठंडा पानी नहीं है, जो नॉर्मल पानी होता है उसी पानी में हम इसको अभी भिगो रहे हैं। सो गाइस, मैंने सोयाबीन को भिगोने रख दिया है। सो मैंने अब मैदा लगाने वाला हूँ। मैदा लगाने के लिए मैंने आधा किलो मैदा ले रखा है। सो इसमें आप चाहे तो नमक हल्का सा डाल सकते हैं, लेकिन हम कभी भी मैदा में नमक नहीं डालते हैं, कुछ भी नहीं डालते हैं। सो सिंपल इसमें जैसे हम घर में आटा लगाते हैं रोटी के लिए, सेम उसी तरीके से लगाने वाले हैं। तो चलिए इसको लगाते हैं फटाफट। मैदा लगाना पिछले कई वीडियो में मैं आपको सिखा चुका हूँ, सेम उसी तरीके से ही हमें ये मैदा लगाना है। जब भी मैदा लगाओगे पानी आपको थोड़ा थोड़ा डालना है, क्योंकि एक ही बार अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा डालिए, मैदा एक बार गीला हो गया तो फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी उसको बैलेंस करने में। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फिर इस तरीके से अच्छी तरीके से मैदा लगाए। सो ये देख सकते हैं इस तरीके से हमने मैदा को लगा लिया है। अब हमेशा की तरह हल्का सा तेल लगा के इसको ढक के रखेंगे। हल्का सा हमने हाथ में तेल लगा लिया, ज़्यादा नहीं लगाना है। सो गाइज, हम हमेशा जैसे मैदा लगाते थे उसी तरीके से हमने मैदा को लगा के हल्का उसमें तेल लगा लिया है। फिर हमने इसको ढक के रख दिया है लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। इससे क्या होगा कि मैदा काफ़ी सॉफ्ट होगा, जिससे हमारे मोमोज काफ़ी अच्छे बनेंगे। सो अब हम सोयाबीन को निचोड़ने वाले हैं। सो गाइज, देख सकते हैं सोयाबीन बिल्कुल भीग चुके हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। सो हम इसको अब निचोड़ने वाले हैं, हम इसी तरीके से निचोड़ेंगे अच्छी तरीके से। सो इसको हम अलग बर्तन में रखेंगे। तो गाइज, हमने सोयाबीन को निचोड़ लिया है। अब हम इसको मिक्सी में ग्राइंडर करने वाले हैं। सिंपल हम इसमें थोड़ा सा सोयाबीन डालेंगे, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है। फिर इसको आपको ज़्यादा देर नहीं, कम से कम 10 सेकेंड लगेगा घुमाने में। सो देख सकते हैं इस तरीके से आपको इसको पीसना है। तो चलिए गाइस, अब हमने थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया है, तो ये भी हम इसमें डालने वाले हैं। सो गाइस, देख सकते हैं हमने सोयाबीन को पीस लिया है और हमने थोड़ा सा इसमें पेस्ट डाला है लगभग 50 ग्राम। सोयाबीन क्या होता है कि काफ़ी हल्का होता है, इसलिए 300 ग्राम है ये, लेकिन दिखने में काफ़ी दिख जाता है क्योंकि ये काफ़ी हल्का होता है। सो इसमें अब हम क्या करने वाले हैं, लगभग 300 ग्राम ही हमने प्याज बारीक प्याज काट रखा है, देख सकते हैं इस तरीके से। सो हम इसको भी इसमें ऐड करने वाले हैं। और हमने स्प्रिंग ऑनियन और धनिया को भी बारीक काट रखा है, ये दोनों हम इसी में डालेंगे। और आप ये देख सकते हैं ये डालडा घी है, ये काफ़ी अच्छा होता है इसके लिए, ये काफ़ी सॉफ्ट होता है। सो हम ये अभी ये आधा किलो है, सो हमने इसमें अभी आधा डालेंगे, लगभग 300 ग्राम इसमें डालेंगे, लगभग आधा हमने इसमें ये डाल लिया है। अब हम इसमें डालने वाले हैं नमक, नमक टेस्ट के हिसाब से डालना है।
फिर हम डालेंगे इसमें हल्का सा अजीनोमोटो। ये सब डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मलेंगे। बाकी मसाला वगैरह हम इसमें कुछ भी नहीं डालने वाले हैं। इसे आपको बहुत अच्छी तरीके से मलना है। सो गाइस, इस तरीके से हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। सो गाइस, इस तरीके से हमारा मसाला भी तैयार हो गया है। सो अब हम दोबारा मैदा को मारेंगे। सो देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा लग रहा है मैदा। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाने वाले हैं। सो हम छोटे छोटे पेड़े बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको इस तरीके से काटेंगे पहले। इस तरीके से ऐसा लोही बनाएंगे, फिर देख सकते हैं इस तरीके से इतने छोटे छोटे हम पेड़े तोड़ेंगे। तो गाइस, इस तरीके से हमने पेड़े भी तोड़ लिए हैं। अब क्या करेंगे, हल्का सा हम हाथ में तेल लगाएंगे, हल्का सा, फिर ये सारा पेड़े के ऊपर लगाएंगे। तो गाइस, इस तरीके से हमारा पेड़े बिल्कुल तैयार है मोमोज बनाने के लिए, और हमारा मसाला भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। सो मसाला को हमने बिल्कुल प्लेन तरीके से बनाया है। कई लोग क्या करते हैं कि मसाले को बहुत मसालेदार बनाते हैं, जैसे कि इसमें धनिया पाउडर वगैरह, गरम मसाला वगैरह डालते हैं, हल्दी वगैरह डालते हैं, कई लोग तड़का भी लगाते हैं। सो बनाने का इसको अलग अलग तरीका, किसी तरीके से भी आप बना सकते हो, लेकिन जैसे हमने बनाया है इस तरीके से बहुत ही प्लेन सादा तरीके से बहुत ही अच्छे मोमोज बनते हैं। सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोमोज का मसाला इसी तरीके से बनाए, सोयाबीन वाला, सो काफ़ी अच्छा बनेगा। अगर आप ट्राई करना चाहें तो अलग तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सो गाइस, सबसे पहले हम अब पानी को गर्म करने के लिए आएंगे, क्योंकि जब तक पानी गर्म होगा तब तक हम इधर मोमोज बनाएंगे। तो चलिए पहले पानी को गर्म करने रखते हैं। सो हमने पानी को गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हमने स्टीम लिया है, इसमें पहले तेल लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम मोमोज बनाते हैं अगर तेल नहीं लगाएंगे तो इसमें चिपक जाएंगे, इसलिए इसमें तेल जरूर लगाएं। तो हमें हल्का सा सूखा मैदा लेना है, फिर छोटे छोटे रोटी बेलने हैं। देख सकते हैं इस साइज में हमें रोटी बेलने हैं। फिर हम ये चिकन का डिजाइन जैसा बनाते हैं हमेशा, इसलिए मैं उसी डिजाइन में आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से हमने एक चम्मच मसाला ले लिए हैं। फिर देख सकते हैं इसका डिजाइन कैसे बनाना है, ये भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये मैं बना ही लेता हूँ पहले। सो देख सकते हैं इस तरीके से आप मोमो बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। सो इसी तरीके से हम बहुत सारे मोमोज बनाएंगे। सो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं ये कैसे बनाता हूँ। ये रोटी हो गया सिंपल, और इसमें एक चम्मच हम मसाला लेंगे। आप जितना मसाला चाहे, जितने बड़े मोमोज बनाने हैं उस हिसाब से आप मसाला ले सकते हैं। सो इस तरीके से सबसे पहला स्टेप देखो, इसको ऐसे करना है, फिर ये दोनों से हाथ उंगली से ये दबाना है, फिर देखो ये आ गए, ये उंगली से फिर हमने ऐसे कर लिया, फिर ये, फिर यहाँ पे जैसे ये देखो गैप बन जाता है, इस तरीके से इसमें दबाना है, फिर ये उंगली से फिर इधर वाला हिस्सा इसको भी दबाना है, फिर इधर आप एक बार जो ये डिजाइन बनाएंगे तो इधर दो तीन बार बनाएंगे। जैसे देखो एक बार इधर बनाया, फिर इधर इस तरीके से दो बार, फिर इधर एक बार, इस तरीके से आगे बढ़ते रहना है और इसे स्लाइस करते रहना है। मैंने आपको पिछले वीडियो में कई बार बताया था। इस तरीके से हम सारे मोमोज बनाने वाले हैं। सो गाइस, इस तरीके से मैंने इतना मोमोज बना लिए हैं। तो इसी तरीके से भी आपको मोमोज बनाने हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें तेल लगाने वाला हूँ, क्योंकि तेल लगाने से मोमोज जो आपस में चिपकेंगे नहीं। पहले हम तेल लगाएंगे, फिर इसको स्टीम करना है। सो मैंने यहाँ पे अभी दिखाने के लिए थोड़ा सा सजा के रखा है, लेकिन अब तेल लगा के थोड़ा ये चारों तरफ लगना जरूरी है तेल अच्छी तरीके से मोमो से। सो इस तरीके से मैं मिलाऊंगा, ऐसे आपस में चिपकेंगे नहीं।
देख सकते हैं हमारा पानी बॉइल्ड है, पानी बिल्कुल बॉइल्ड होना चाहिए, उसके बाद स्टीम चढ़ाएं। सो गाइज, मैंने मोमोज को स्टीम होने के लिए रख दिया है और ये 5 से 7 मिनट लगेंगे 70 से 80% स्टीम होने के लिए। अगर आप अपने घर में खाने के लिए बना रहे हो तो आप एक ही बार डायरेक्ट इसको 100% पकाकर खा सकते हैं। सो इसको अगर आप शॉप के लिए बना रहे हो, मतलब बेचने के लिए बना रहे हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो, तो आप इसको 70-80% पका के ठंडा होने के लिए रख सकते हो। मतलब जब ये ठंडा होने के रखोगे, जब कस्टमर को आपको देना होगा या फिर आपको खुद को खाना होगा, सो आपको उसको दोबारा स्टीम करके फुल पका के खा सकते हैं या फिर उसको फ्राई वगैरह करके भी खा सकते हैं। सो गाइस 5 से 7 मिनट हो गए हैं, तो चलिए देखते हैं मोमोज कैसे बन गए हैं। वाओ, देख सकते हैं मोमोज बहुत ही अच्छे बने हुए हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो अगर आप दुकान के लिए बना रहे हो तो आपको इतने में ही स्टीम उतारना है, इसको ठंडा करने के लिए रखना है। लेकिन अभी मैं इसको फुल पकाने वाला हूँ, सो 2 मिनट और इसको पकाना ज़रूरी है, तो चलिए इसको फुल पकने देते हैं। सो गाइस, हमारे मोमोज फाइनली पक चुके हैं। सो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम कस्टमर को कैसे सर्व करते हैं। तो देख सकते हैं मोमोज कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो अब इसमें हम मक्खन लगाने वाले हैं, सो हम कस्टमर को हमेशा मक्खन लगा कर देते हैं, अमूल का मक्खन यूज करें। और ऊपर से हम डालते हैं पिज़्ज़ा सीजनिंग मसाला, ये काफ़ी अच्छा मसाला होता है, इसकी वजह से मोमोज बहुत ज़्यादा और टेस्टी बन जाते हैं। सो गाइस, देख सकते हैं बहुत ही यम्मी और जूसी मोमोज हमारे बनकर बिल्कुल तैयार हैं। देख सकते हैं देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। सो इसको आप मोमोज की चटनी के साथ बिल्कुल इंजॉय कर सकते हैं। देख सकते हैं देखने में बहुत ही लाजवाब और बहुत ही ज़बरदस्त बढ़िया लग रहे हैं। और ये हम बहुत सस्ता रेट बेचते हैं यहाँ पे, क्योंकि मार्केट में काफ़ी सस्ता है। सो ये सिर्फ 60 रुपये के 12 पीस हम बेचते हैं यहाँ पर। सो आप भी अपने मार्केट में अगर रेट अच्छा है तो इससे ज़्यादा में बेच सकते हैं। तो चलिए गाइज, करते हैं थोड़ा सा हम भी इंजॉय, टेस्ट करते हैं कैसे बनाए। जैसे कि मैंने कहा था आपसे, ये जितना अंदर से प्लेन होता है उतना ही टेस्टी होता है। सो बहुत ही अच्छा बना हुआ है, तो इसी तरीके से आप सोयाबीन मोमोज बना सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये मसाले के बारे में बहुत सारे बंदे मेरे से पूछते हैं कि ये मसाला कौन सा है। सो मैं आपको बता देता हूँ, मैं हमेशा मैसेज में भी आप लोगों को रिप्लाई किया है। सो ये पिज़्ज़ा सीजनिंग मसाला है, ये आपको 500 रुपये किलो यहाँ पर मिलता है, शायद वहाँ पर हो सकता है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो। लेकिन ये वाला मसाला है जो मैं आपको साफ दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छा मसाला है और यहाँ पे 500 रुपये किलो आराम से मिल जाता है यहाँ पे दिल्ली में INA मार्केट में। लेकिन बाकी जगह मुझे नहीं पता, लेकिन आप मार्केट में पता करोगे तो ज़रूर मिल जाएगा। तो ये वाला मसाला है, इसको पिज़्ज़ा सीजनिंग मसाला बोलते हैं, बहुत अच्छा मसाला है। सो आप इसको ज़रूर यूज़ करें। सो गाइज, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया कि सोयाबीन मोमोज कैसे बनाया जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट छोड़ते जाइए। सो गाइज, इस वीडियो को करते हैं अब यहीं खत्म, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।